caralho. Tocando sua xereca, cadu, 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 cadu. Assalamu alaikum, meu nome é Rian e esse é o KSQUAD ka dusra vlog hai, jo Gilgit se leke KSUQAD tak hai. To ye journey do parts mein distributed hai aur ye uska pehla part. ये जो व्लॉग है ये हम गिलगित से स्टार्ट करेंगे और गिलगित से दासों तक हम गाड़ी में जाएंगे और वहाँ से आगे फिर हमारी हाइक स्टार्ट होगी। तो हम तीन जो KSQUAD के मेंबर्स हैं यहाँ इस्लामाबाद में आए हुए हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं वो गिलगित में हैं। तो हम तीन आपको इस कहानी की पूरी शुरू से लास्ट तक कहानी आपको समझाएंगे। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। निशान रोक लें हरामोश के लिए। हरामोश जा रहे हैं, रास्ता किसी को नहीं पता है किधर से जाना है। हरामोश वो भी नहीं पता, बस हमें जाना है। Then there is no way. Find your own way. Let's go. एक घंटे से ज़्यादा हो गया हमारा बैक सीट पर बैठे हुए हैं। हुकूमत की हालत ख़राब हो गई है, यहाँ की हालत ऐसी है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो इधर अभी हम जो है इधर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे हेमंत भाई इधर बाहर निकल रहे हैं, तो अभी हमारा सफ़र आगे जारी है। तो आप क्या कहेंगे इधर थोड़ा बहुत कुछ बता दें? बहुत सर्दी है, हाँ यही बात है। इधर दो घंटे हो रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है। तो हम पहुंच गए, यहाँ से आगे जिस गाड़ी में हम आए थे वो गाड़ी तो आगे नहीं जा रही, हम अभी दूसरे गाड़ी में जाएंगे आगे। यहाँ पे पीछे कहाँ गई, हाँ ये रही। शाम के टाइम उधर सुबह करो, सुबह होते हुए उधर से निकल जाओ, सुबह 11 बजे आप पहुँच। फुटबॉल खेलते हो ना? हाँ। फुटबॉल खेलने वाले चल सकते हैं, अंदाजा करो बस। मैं ये मेरा फ्रेंड ये है, ये फुटबॉल खेलने वाले चल सारा पंजाबी को उधर आके हाइट लगता है। ये पंजाबी और ये नॉर्दर्न एरिया वाला ये तो नहीं होता है ना? नॉर्दर्न एरिया में भी लगता है। तो जीप के अंदर सामान डाल रहे हैं हम, अभी यहाँ से जीप जाएगी आगे। इधर जीप में बैठे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। रोड बड़ा फिट स्मूथ। इधर ब्रिज, इधर हूं का ब्रिज। रास्ता स्टार्ट हो गया हमारा, 20 रस्ते में शायद पहुँचे हैं, मैं नहीं पता। 20 रस्ते तक पहुँच गए, तो इधर कोई बंदे थे तो येलो पिक्चर। अभी हम लोग सारे उतर गए, इसके आगे आधे घंटे का रास्ता है, उसके बाद हमने कैंप लगाना है। अभी सारे एक साथ जमा हो गए, अलग अलग चलने का मज़ा भी नहीं है, बातें करके टाइम पास करके पता भी नहीं चलता टाइम कैसे गुजरा है। मेन जगह जिधर से हमने ट्रैक करनी थी वो आ गई है, इधर से कोई तकरीबन 20-25 मिनट की चढ़ाई है, उसके बाद आना है मैदान, उधर हम शायद कैंप लगाएं। इसके बाद इसक्री पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी, तो रात को काफ़ी थके हुए थे इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी फिर सुबह अभी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ मालिक एंड विद मी बांडिया। तो अभी उठे हम, काफ़ी लेट हो गए, सुबह 8 बज रहे हैं। अभी सारे इधर कोई जूस पी रहे, कोई बिस्किट खा रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए थे हम सुबह, तो काफ़ी लोग आए हमारे पास, ऊपर मेरे ख्याल में कोई काम हो रहा है इनका, तो ये लोग हमसे मतलब काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो लेट्स सी आगे जाते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं हम काफ़ी लेट हो गए। अभी सारी पैकिंग हो चुकी है, सारे निकलने वाले हैं।
अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हमने चलते हुए और ये रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रईस क्यों बैठे हुए? ऐसे ही 10 मिनट हो गए हमें चलते हुए, तकरीबन 10 मिनट। अभी हम रास्ता हमारा मतलब सही वाला रास्ता ख़त्म हो गया। आगे आप देख सकते हैं ग्लेशियर थोड़ा सा, ये ऊपर से ग्लेशियर फिसल के नीचे है, तो अभी यहाँ से रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक टाइप का है। अब देखते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पे कभी एवलांच आया होगा सर्दियों में, कभी क्या पता। तो उसका बर्फ हमारे पांव के नीचे है। अभी हम सुबह जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन ईशान और कौन था समीर साथ, समीर की वजह से बहुत लेट हो। और ख़राब हो गई है, बढ़ती जा रही है, सबकी फटी पड़ी है। अलजैन की तो 4 हो गई है। क्यों के हो आप? तो कोई मिले थे उन लोगों ने कहा कि विदाउट सामान वो कटवाले तक तकरीबन 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। अभी हमारे साथ इतने सामान भी है, तकरीबन 3 या 4 घंटे लग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे इसलिए इधर चाय बना रहे हैं। चाय बना के फिर आगे निकलेंगे, जगह तो इतनी ख़ास नहीं चाय बनाने के लिए। उसका कुछ नहीं दिया, बंदा लौट कर आया है, कुछ नहीं देते। जूस पिलाया ना, बिस्किट खाया ना, वो ना दांदली है उसमें, चूल्हा अच्छा वाला खुद खाया। किसने खाया अच्छा वाला? ये वजाहत हो गया, बाबू हो गया, तैमत हो गए, तुम हो गए। ये हालत देख सकते हैं इसकी, पाउडर भी डालना था। इधर अजीब सी जगह पे हम लोग चाय बना रहे हैं, तो अजीब है तो क्यों ना। भांडिया मालिक कैमरा गया। अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं, काफ़ी फ्रेश हो गए हैं, चाय पिए काफ़ी, मतलब नाश्ता तो हमने नीचे मतलब सिर्फ जूस और बिस्किट खाए थे। अभी हमने पूरा चाय के साथ ब्रेड, देसी ब्रेड, अखरोट वगैरह सब खाते हैं। अभी ओ भाई चढ़ाई बहुत गंदी है यार। इधर मेरा बैग भी बहुत भारी है, इन हरामियों ने सबसे ज़्यादा सामान मेरे में डाला है। जबरदस्त जगह है पर वो थोड़ा थकते हैं भाई जान। पानी का थोड़ा मसला है बस। और हवा ग्रीन चीज़ ये असल में इनको मैंने पागल खाने से लाया है। हाइक पे That's all for the part 1 of this video. Part 2 is coming soon. Stay tuned. Peace out.